आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारी बहस हो रही थी। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब जातिगत जनगणना की जगह सर्वे करवाने की घोषणा की है। अशोक गहलोत ने कहा कि हम सर्वे करवाएंगे, इसके आदेश तो तत्काल हो जाएंगे। जनगणना तो भारत सरकार भी करवा सकती है, वह राज्य सरकार नहीं करवा सकती। यह खाली परिवारों का सर्वे हो रहा है जिससे आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। यह हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आदेश हो जाएगा, आदेश तो इमीडिएटली हो जाएंगे। जब मैंने कह दिया है तो निर्णय जल्दी आ जाएगा, उसके बाद में अगर कोड करने लागू भी होता है तो इसमें क्या दिक्कत आएगी। हम तो अच्छा काम ही कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो चुकी है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है। तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है, वही मॉडल जो है रास्ता हम अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है, जनगणना, वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के राजस्थान सरकार की योजनाएं बंद नहीं करके और बेहतर करने के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि हमारी योजनाएं शानदार है, उसकी वह चिंता ना करें। साथ ही प्रधानमंत्री के राजस्थान सरकार की योजनाएं बंद नहीं करके और बेहतर करने के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि हमारी योजनाएं शानदार है, उसकी वह चिंता ना करें, हमने हमारी योजनाओं को ठीक करके पेश कर दिया है। प्रधानमंत्री, यह बताएं, आप 25 लाख बीमा की घोषणा कब करोगे? OPS कब लागू करोगे? शहरी रोजगार गारंटी योजना कब चालू करोगे?